तो माइनक्राफ्ट के पिछले एपिसोड में हमने की कुछ नाकाम कोशिश ऑटोमेटिक फार्म बनाने की, जिनमें से एक था हमारा एक्सपी फार्म और दूसरा आयरन फार्म, जो कि दोनों के दोनों ही फ्लॉप गए, कुछ हुआ ही नहीं। उनकी अपनी अपनी वजह थी। एक्सपी फार्म जो है वो मोजिंग वालों ने बंद कर दिए थे और आयरन फार्म जो है उसके लिए हमारे पास नेम टैग नहीं था। सो देखते हैं कि आगे क्या होता है। सो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। तो पिछली बार के एपिसोड में हमने एक वहां पर एक आयरन फार्म बनाया था, जो कि अभी भी वहीं पर है, मतलब हाफ बनाया था, और वो मतलब हैवी तरीके से फेल हो गया था क्योंकि मेरे पास नेम टैग नहीं था। और साथ में हमने वहां पर एक एक्सपी फार्म बनाया था दो बार, और वो भी फेल हो गया क्योंकि अब माइनक्राफ्ट ने जीरो टेक फार्म ख़त्म कर दी। तो अभी हमें एक्सपी फार्म जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा ज़रूरत है। तो फिर मेरे जबान में एक ख्याल आया कि एक और तरीका हो सकता है एक्सपी फार्म बनाने का। वो ये है कि उस साइड पे जो अपनी माइन शाफ्ट है, जहाँ पे हम वो दूसरे एपिसोड में गए थे मेरे ख्याल में, तो हम वहाँ पर जो एक स्पाइडर स्पॉनर है ना, उससे एक एक्सपी फार्म बन सकता है। तो आज हम उसी को बनाने की कोशिश करने वाले हैं। तो अभी मैंने जो उसके लिए सामान चाहिए था वो मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया, और साथ में मुझे एक और वैसे चाहिए, एक मुझे वैसे अपनी ये भी नहीं बनानी है, और एक मुझे ना बकेट भी चाहिए। मेरे पास देख रहे हो कितनी गरीबी आ गई है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो रह गए हैं, क्या उसे कहते हैं, छः आयरन रह गए, जिसमें से एक और अभी कम होने वाला है। तो मुझे यहाँ पर चाहिए एक नई जो है वो बनानी है मुझे, क्या उसे कहते हैं, शील्ड, क्योंकि अभी इस शील्ड की हालत रही नहीं है। ठीक हो गया, इसको हम यहाँ से स्विच करते हैं, और जो चीज़ें यहाँ पे रखने वाली हैं वो हम यहीं पर रखते हैं, जैसे कि ये ठीक हो गया। तो अभी हमने सारी चीज़ें सारा सामान इकट्ठा कर लिया, और अभी हम जाने वाले हैं माइन शॉप में अपना एक्सपी फार्म बनाने के लिए। बहरहाल ज़रा ये देखो, आए हाय, अभी क्या कहना है तुम लोगों को मेरे बेडरूम के बारे में, कैसा लग रहा है बताओ, कैसा दिया, नहीं दिया अच्छा है, चेक करो, ऐसे पीछे मछलियाँ लगा दी, ऐसे मस्त पकड़ के अंदर डाल दी मछलियाँ, वैसे थोड़ी अड़ती रहती हैं वो अलग बात है, लेकिन खैर लग रही है। और साथ में ये हमने बेड को थोड़ा जो है वो डेकोरेट कर दिया है, मैं जो नज़र से कॉर्ड्स लेकर आया था उससे मैंने वो स्लैब्स वगैरह बना के और वो लगा दी। ओके, तो हमने कुछ और भी चेंजेस किए हैं, क्या तुम लोग वो भी देखना चाहोगे, ये क्या, मेरे बाकी सारे विलेजर किधर गए, और बेड भी, भाई साहब ये क्या हो गया, मजाक कर रहा हूँ। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। उन्हें हमने शिफ्ट कर दिया इस टाउन हॉल में, बाकी वो जो तीन है वो मुझे ज़रूरत है उसके लिए, आयरन फार्म बनाने के लिए, तो इसलिए हमने अभी उनको वहीं पर रखा हुआ है, क्योंकि फिर लाना वहाँ से मुश्किल हो जाएगा। तो अभी देखो कि हमने यहाँ उन्हें टाउन हॉल में शिफ्ट तो किया, ये अपना टाउन हॉल है एक तरह का, जहाँ के अभी चीज़ें खाली हैं वैसे। तो वो गए किधर, सीक्रेट, वैसे तो मैंने खुद तुम लोगों के लिए सीक्रेट बनाया है, सीक्रेट था नहीं, मैंने कहा चलो तुम लोगों को सरप्राइज़ दूंगा, तो इस वजह से जो है मैंने इसको इस तरह करके जो है छोड़ दिया था। तो ये है रहा पैसेज वहाँ तक जाने का, टड़ा, कैसा लगा, कैसा दिया, चेक करो विलेजर्स, चेक करो यार, यहाँ पर भी आके इनकी हैवी वाली ब्रीडिंग कराई है, और देखो ये इतने ज़्यादा हो गए हैं, ओए होए, ओवर पॉपुलेशन हो चुकी है, हैवी वाली ओवर पॉपुलेशन यहाँ पर भी, ये देख, ओ भाई साहब देख रहे हो, अभी तो ये थोड़ा कम है, अभी ये चेक करो, बाकी के कुछ विलेजर्स हमने यहाँ पर रखे हैं, जो कि हमने लाइब्रेरियन बनाने हैं मैंने,
क्योंकि लाइब्रेरियन से फिर मैं कुछ भी जो है ट्रेड कर सकूँगा, मतलब जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं इंचेंटमेंट वाली वो हम लेंगे। और ये जगह हमने एक और स्पेशल चीज़ के लिए बना रखी है जिससे हम जो है इनके रेट्स कम करेंगे, लेकिन वो थोड़ा अभी मुश्किल है। उसके लिए एक ज़ोंबी का होना ज़रूरी है, जो कि मतलब अभी मेरे पास नेम टैग ही नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या है। अभी जो पिछली बार इस आयरन गोलम को यहाँ पर हमने रखा था ना, तो बेचारा इनकी पता नहीं हिफाजत भी कर सक रहा होगा। तो हम यहाँ से इसका जो है ना अब कहते हैं अभी तुम अब घूम लो, अभी अपने को फिलहाल ज़ोंबी नहीं चाहिए, तो तू अब अपना आराम कर सकता है। लेकिन फिर अगर तू मेरे रास्ते में आया तो काम ख़राब भी हो सकता है। लेकिन यार ये काम बड़ा डेंजरस होने वाला है, क्योंकि हमें उनके स्पॉनर को एक बार बंद करना है कि उनके स्पॉनिंग जो है वो ख़त्म हो जाए। चेक करो आगे से, एक स्वागत के लिए पहले से खड़ा हुआ है। दो है मुझे भी आग लगवा दी। ऐसा लगता सिर्फ मेरे लिए खड़े हुए थे ये लोग। ये कितने हैं यहाँ पर, वे पागल तो नहीं है वे? हेलो तोहफे हो जो जालिम की गुलाज यार, तुम लोग तो यहाँ पर ऐसे डेरा लगा कर खड़े हो, ऐसा लगता है मेरे ही इंतजार कर रहे थे। पहले सबसे पहला काम हमें जो करना है वो यही है कि हमें उसके स्पॉनर को बंद करना है। मुझे वाकई ये जो है ना बो लेकर आ जानी चाहिए थी, वो काम काफ़ी आसान कर देगी, तो मैं पहले बो लेने ही जा रहा हूँ। यहाँ पर एक बची कुची किसी स्केल्टन की बो पड़ी तो थी। अच्छा ये भी ले लेते हैं, यहाँ से ये भी ले लेते हैं, और इधर ही बो भी होनी। ये रही अपना बो और एरो, यहाँ सामने कहीं नहीं है। आ रही है ओ ओ, एक और इधर से आ गया। दफा हो जाओ। अद्भुत। अभी जो है मैं आराम से काम कर सकता हूँ, अभी मुझे कोई चेकर नहीं है। ओए पीछे चेस्ट है। अल्लाह करे इसके अंदर एक नेम टैग हो यार, प्लीज़ इसके अंदर एक नेम टैग हो। वैसे तो ऐसा होता ही है कि मतलब जो हमें यहाँ से मिलती है ना, क्या उसे कहते हैं, चेस्ट वगैरह, उसके अंदर 80% चांस होता है कि उसके अंदर नेम टैग हो। अल्लाह करे इसके अंदर भी हो भाई, इसके अंदर भी हो। 1 2 3 ओ नेम टैग है। ओ भाई साहब, ये हुई ना बात। अभी अपना आयरन फार्म भी जो है वो मस्त बन सकता है। ये हो गई ना बात ओपी वाली, ये तो बड़ा ही ओपी काम हो गया। इतनी बड़ी माइन शॉफ्ट है, सिर्फ एक चेस्ट मिली है, वो भी यहाँ पर थी, यहाँ पर जहाँ की मकड़ियों ने पूरा ऐसे दिमाग खराब करके रखा हुआ था कसम से। आय हाय हाय, ओ डायमंड, नाइस। वो मैन यार, ये तो बड़ी तबाहीदार जगह थी, और मैं अपनी फॉर्च्यून वाली पिकैक्स नहीं लेकर आया, मतलब इससे बुरा कुछ हो सकता है। चलो इसको ऐसे ही ले लेते हैं इस बार यार, खैर तो है। अच्छा अभी हमें क्या करना है, 9x9 का एक एरिया बनाना है, ठीक है। तो ये 1 9x9 का है ना, 1 2 3 4 है ना, इसी तरह बनेगा ना। हाँ 1 2 3 4, तो बाकी हमें यहाँ पर जो है वो इस तरह करके जो है सारा रास्ता बंद कर देना है। मुझे इसकी कोनो ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए, और इस जगह को भी हम इसी तरह बंद कर देंगे फिलहाल के लिए। तो यहाँ से 1 2 3 4 ठीक हो गया, तो ये अपनी यहाँ से बाउंड्री होगी। तो उसके बाद अभी हम यहाँ से जो है डिग करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये है 1, उसके बाद ये हो गया 2 1 2 3 and 4, ये 4 हो गया। उसके बाद हमें यहाँ से स्टार्ट करना 1 2 3 4 ठीक हो गया।
तो अभी अपनी ये बाउंड्री बन गई है और इसी को जो है हमने ख़त्म कर देना है यहाँ से। ओके, तो अपनी ये स्पेस बन गई है 9x9 की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो अभी हमें इतना करने के बाद ऊपर से हमें दो ब्लॉक की जगह छोड़नी है जो कि ऑलरेडी छुटी हुई है, ये मतलब एक है और एक ये, ठीक है। तो ये हो गया, तो अभी हमें जो है नीचे जो है इसकी मतलब स्पॉनर के नीचे तीन ब्लॉक की जगह छोड़नी है। डाइवर ले लेते हैं अभी, रुक जाओ, अभी तो मेरा पक्का मूड कर रहा है कि मैं ना एक अपनी स्किल टच कुछ भी, ये वैसे भी मेरी जो है ना ख़त्म होने वाली है, तो मैं अपनी अभी डायमंड पिकेक्स लेकर आने ही वाला हूँ। तो ले आते हैं अपनी डायमंड पिकेक्स। तो अभी हम जो है इंचेंट कर लेते हैं अपनी सॉर्ड, बेन ऑफ ऑर्थ्रोपोड मिल रही है 4, देख लो कुछ ना कुछ अगर और अच्छी चीज़ मिली तो ठीक है, वरना तो फिर काम ख़राब है भाई, फिर तो हम वरना तो हम नहीं कर रहे, सिर्फ बेन ऑफ ऑर्थ्रोपोड नहीं चाहिए मुझे, इधर आ जा, नहीं सॉरी इधर से मुझे इसको कर देना है डिसइंचेंट। अबे हेलो हेलो, क्यों इतना जुल्म नहीं करना हमने, लेकिन इससे मेरी फुल एक्सपी वापस नहीं आई यार, बड़ी यार ये तो गधेड़ी चीज़ है, फिर उसको भी यहाँ पर रखो, फजूल ही था वैसे, अभी वैसे मिल क्या रहा है मुझे वो देखने दो, बेन ऑफ ऑर्थ्रोपोड के बाद अभी भी बेन ऑफ ऑर्थ्रोपोड 4 मिल रही है। कंट्रोल उदय। अच्छा अभी हम फिलहाल जो है वो जाते हैं और जाकर अपना एक्सपी फार्म मुकम्मल करते हैं। आए हाय तेरी तेजियां यार, तेरी तेजियां, आए डायमंड पिकैक्स, ठीक है अभी 1, 2, 3, यहाँ पे तो बहुत सारे थे, 16 डायमंड, आ हा हा हा। अभी जो है हमने अपना एन्चेंटमेंट रूम, मतलब एन्चेंटमेंट कह रहा हूँ, एक्सपी रूम तैयार हो चुका है। 9x9 का मतलब स्पेस होगी, 9 इधर से 9 इधर से, उसके बाद नीचे की जो स्पेस है वो हमें छोड़नी है 3 ब्लॉक, ठीक हो गया, 3 ब्लॉक ये छोड़ना है और ऊपर से जो है वो छोड़नी है 2 ब्लॉक की जगह, सही हो गया। अभी हम यहाँ पर बनाएंगे एक क्या उसे कहते हैं, इन्फिनिट वाटर, ये चीज़ अभी हम यहाँ से भरेंगे और एक और बकेट हम यहाँ से भर के, ये चीज़ एक हम डालेंगे इस कोने में और एक हम डालेंगे इस कोने में, तो ये इस तरह करी कि यहाँ पर आ जाएगी। और अभी हमें यहाँ से एक एक बकेट और भर लेनी है और इस वाली जगह को जो है वो इस तरह, मतलब मुझे इस पानी की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें ऐसे करके जो ये वाली सारा एरिया है ना जहाँ पर पानी नहीं है जिन ब्लॉक्स पे, वो हमने सारे के सारे ब्लॉक जो है वो रिमूव कर देंगे, लाइक दिस, अभी हमें यहाँ पर आने के बाद इसके बिल्कुल सामने हमें ऐसे 3x2 की जगह बनानी है, ऐसे 3x2 की जगह बन गई। उसके बाद फिलहाल हम यहाँ पर ना ऐसे थोड़ा सा चानना कर देते हैं, ठीक है 3x2 की जगह बन गई। उसके बाद हमें 7 ब्लॉक आगे जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, इस समेत मेरे ख्याल में 7 होते हैं। चलो एक और हम मज़ीद आगे चले जाते हैं अपने ही काम में। अभी हमें ये सारे के सारे ब्लॉक जो हैं वो रिमूव कर देने हैं इसके, ठीक हो गया ये चीज़। तो अभी ये जो ये वाली जगह है ना सेकंड वाली, हमें अपने जो मैं साइन साथ लेकर आया था वो हमें यहाँ पर लगाने हैं, ऐसे डन कर दो भाई, डन कर दो
रन कर दो। तो यहाँ पर लग गए ये सारे के सारे साइंस। उसके बाद ये दो की जगह छोड़ के हमें यहाँ नीचे डिग करना है कुछ ऐसे, और अभी हमें यहाँ पर लगानी है अपनी चेस्ट वगैरह जो हम लेकर आए हैं। इसमें ज़्यादा लेकर आ गया हूँ, इतनी चाहिए नहीं थी, तीन जो चेस्ट लग गई। उसके बाद हमें यहाँ पीछे की तरफ जो है वो लगा देने हैं तीन हॉपर, इसके साथ अटैच कर देने हैं। हॉपर किधर गए अपने, तो ये रहे अपने हॉपर, और ये हमने हर एक चेस्ट के साथ अटैच कर दिया। इसके ऊपर हम जो है वो लगा देंगे स्लैब्स, 1 2 3 इस तरीके से। फिलहाल मैं अपने आगे जाने के लिए यहाँ से जो है रास्ता बना लेता हूँ, कि आगे तो मुझे जाना ही है। ठीक है, तो ये सीन हो गया। अभी मेरे ख्याल में तो ठीक ही है यार, यहाँ पर हमें ये इसको जो है वो मतलब यहाँ से निकालना है। और हम जो लेकर आए हैं तीन बॉल्स, ये रही, इन्हें हमें यहाँ पर लगा देना है कुछ ऐसे करके। ठीक हो गया, तो यहाँ पर लग गई अपनी वॉल्स, इधर से दो की है, इधर से एक। ठीक है, तो इसको हमें अपने खड़े होने लायक जगह बना लेनी है यहाँ पर। तकरीबन इतनी एक बॉल है। ठीक है, उसके बाद हमने जो दो मतलब बकेट्स ली हैं ना वो हमें यहाँ पर डालनी है। उससे पहले हमें ये जो है जगह बंद करनी पड़ेगी, बाकी मैं वैसे सारा कुछ कर चुका हूँ। ठीक, सो शायद अभी हम ये सारी जगह बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर डालना है पानी, ऐसे, तो ये भी आगे आ जाएंगी, इसको हम बाद में ठीक कर लेंगे। अभी हमें ये 1 2 3 ऐसे ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर ये जो है वापस से अपनी जो जगह है वो ठीक कर देंगे। तो अभी हमें यहाँ पर ये इस तरीके से कुछ जो है वो सारे का सारा कर देना है, कि हमें जो है इसको एक ब्लॉक नीचे करना था इस वाली जगह। ठीक हो गया, अभी जो है ये बिल्कुल फिट हो चुका है। अभी हमें यहाँ पर लगाने हैं ऐसे करके ट्रैप डोर्स, और ये अपनी एक्सेस हो गई उनके लिए। लेकिन अभी काम जो है वो फुल कंप्लीट हुआ नहीं है, क्योंकि अभी हमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी करनी है। पहले हम जो है यहाँ से रास्ता बनाएंगे कुछ इस तरीके से। चेक करो, डायमंड पिकेक्स से इतना माइन किया लेकिन कुछ असर पड़ा ही नहीं है। तो ये अपना रास्ता बन गया ना, तो अभी और कोई टॉर्च वगैरह नहीं लगी हुई, नहीं लगी हुई। अभी हमें इन ब्लॉक्स को सिर्फ जो है ना दरमियान वाला ब्लॉक छोड़ के ना, हमें ये जो साइड के सारे ब्लॉक्स थे इनको हटा देना है। तो ये डेफिनेटली उस, हाँ ठीक हो गया, हमें इन साइन से पीछे पीछे ये आकर रुक जाएगा। तो उसके बाद जो है हम यहाँ से आगे चले जाएंगे। ठीक हो गया, उसके बाद हमें जो है ना यहाँ से करनी है टॉर्चेस गायब। और अभी हमें यहाँ से निकल जाना है जल्दी जल्दी जल्दी, इससे पहले कि कोई आ जाए। नहीं 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 नहीं, गलत गलत, सॉरी सॉरी फॉर दैट। अभी वो स्पॉन होना स्टार्ट हो चुकी हैं आई थिंक सो, और ये एक मकड़ी आ भी गई है। ठीक है, तो अभी हम इसको ऐसे मस्त करके मारेंगे और हमें एक्सपी मिल जाएगी, जो कि हमारी 30 हो गई। तो अभी हमें यहाँ पर 30 मिनट जो है वो ए एफ की करना है। तो उसके बाद जो है काफ़ी सारी मकड़ियाँ जब आ जाएंगी तो फिर हम उसको इकट्ठा साथ इकट्ठा मारेंगे, और फिर जो है अपना काफ़ी सारा काम जो है वो फिट हो जाएगा। तो मैं बेस्ट वे जो है मैं तुम लोगों को कहूँ तो उससे हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे और नॉर्मल से जो है हम इसकी जो डिफ़िकल्टी है वो कर देंगे हम हार्ड पे। हार्ड पे ये सीन होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन होंगी और अपने को जो है ना फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक्सपी मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो भी यहाँ पर हमें जो है 30 मिनट एएफके करना है,
कि बिल्कुल जो है वो कोई काम नहीं करना है, इनको स्पॉन होने देना। ओके तो अपने 30 मिनट कंप्लीट हो गए हैं AFK की, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हैवी तरीके से जो है ना इनकी स्पॉनिंग हो गई है। तो अभी हम इन सबको मारेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास कितनी XP आने वाली है। ओए ओए भाई साहब, चेक कर रहे हो कितनी ज़्यादा है ये? वो तो ये डर है कि मेरी सॉड ही ना खत्म हो जाए। पर ओए ओए XP ओए 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 आहा, फायदा क्या हुआ यार? ऐसे जरा सा भी फायदा नहीं हुआ। मतलब 30 मिनट AFK करने के बाद सिर्फ 3 XP बढ़ी है। इसको मैं क्या करूं, मतलब क्या करूं, मुझे बताओ, खुद बताओ मुझे इसका मैं करूं तो करूं क्या? और यहाँ पर अपने पास इतना सामान भी नहीं हुआ, हाँ यानी कि इतना खास कोई फायदा हुआ नहीं है हमारे यहाँ पर आने का और ये सब मतलब करने का। तो फिलहाल हम ऊपर ही चलते हैं, और तो कुछ हो नहीं सकता। ओए होए 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 होए, इतने हैवी वाले एन्चेंटमेंट वाले, ओए होए होए। हैवी एन्चेंटेड ज़ॉम्बीज, अल्लाह ही खैर करे भाई, अल्लाह ही खैर करे, अल्लाह ही, ओए होए होए, ओए होए होए, ये तो मारेंगे यार। ओ मेरी पिकैक्स, मेरी सॉर्ड टूट गई। अच्छा अपने पास ये है, एक गया, दूसरा भी गया। इससे मुझे क्या मिली? एक एन्चेंटेड जो है वो मुझे मिल गई है, चेन लगिंग मिल गई है, सही हो गया। तो अभी हम दोबारा से जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्या उसे कहते हैं, एन्चेंट करना। लेट्स सी, लैपिस तो मैंने डाली नहीं, लेकिन यार ये बीन ऑफ फोर्थ रिपोर्ट दे रहा है जो मुझे फ़ायदा बिल्कुल नहीं लग रही। स्माइट माइट दो तब भी फ़ायदा हो कोई, या मैं काम करता हूँ, मैं इतना कोई आयरन की पैकेट्स जो है या सॉर्ड जो है वो कोई और मैं एक जो है ना कर लेता हूँ, इंचेंट कर लेता हूँ, उससे ये होगा कि ये मतलब ये वाली इंचेंटमेंट जो है वो स्किप हो जाएगी। तो अपने पास यहाँ पर एक सॉर्ड होनी तो चाहिए, ये है, ये भी है, तो इस वाली को कर लेते हैं, ये क्योंकि आयरन सॉर्ड है, इसको यहाँ पर रख दो। इसके ऊपर बेन ऑफ फोर्थ रिपोर्ट लगा देते हैं या कोई और लगा, वो शुरू वाली लगा दूंगा ताकि इतनी ज़्यादा XP भी ना खाए। और ये रही, तो ये स्माइट 1 का मैं इसको लगा सकता हूँ, 1 एन्चेंटमेंट लेवल लगेगा और एक लैपिस लाज़ुली लगेगी। तो अभी ये हो गई, अभी जो है इसका चेंज हो चुका होगा। अभी भी बेन ऑफ फोर्थ रिपोर्ट कंट्रोल कंट्रोल उदय, चाहते क्या हो यार, चाहते क्या हो? फाइनली मुझे फिर अब यही करना पड़ेगा, मिली भी सिर्फ बेन ऑफ ऑर्थर पॉडी। चलो कोई नहीं, बाद में देख लेंगे इसकी एन्चेंटमेंट में ख़त्म करता हूँ, पता नहीं शायद मुझे कुछ कुछ थोड़े से भी XP नहीं मिला। तो अभी फिलहाल कोई फ़ायदा हुआ नहीं है, XP का कुछ और ही जुगाड़ करना पड़ेगा। बहरहाल मैं जो है वो वहाँ से कुछ नदर से कुछ XP लेकर आने वाला हूँ, अगर वैसे ऐसा हो जाए ना तो OP सीन हो जाएगा। कॉर्ड्स वगैरह को माइन करके वो एक काम एक तरीके से हो भी सकता है एक लिहाज से, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। यहाँ से मैं लेकर काफ़ी सारा जो है वो XP ले सकता हूँ, यहाँ से भी, और ये 30 अपनी हो भी गई। तो भी फाइनली अपनी जो है वो क्या नाम हो चुकी है 44,
तो इतनी भी बहुत है यार, काफ़ी ज़्यादा नदर रैक्स जो है वो मतलब करने के बाद ये जो है ये सीन बना यार। ये हर बार ही आए हुए होते हैं यहाँ पर क्यों भाई? ओ भाई साहब मजाक था। ये तो कैसे पड़ गया मुझे आके वे? ओ भाई साहब फुल टू फुल ऐसे घाटी हो गया था यार मेरे। तो अभी हमने सारा का सारा जो अपना आर्मर है वो उतार दिया है, अभी हम बिल्कुल जो है ना आर्मर के बगैर नंगे पोंगे सारे हैं। तो अभी हम यहाँ से जो है अपना सारा आर्मर ले लेते हैं और लेट्स इंचेंट। चलो भाई, तो सबसे पहले हम जो है हेलमेट को इंचेंट करते हैं, प्रोटेक्शन 3 गुड वन, और साथ में रेस्पिरेशन 3 भी मिल गई, वो बहुत बढ़िया। अब हम पानी के अंदर काफ़ी देर तक सांस ले सकेंगे। इसके साथ अनब्रेकिंग 3 और साथ में फायर प्रोटेक्शन 4 ओपी, प्रोटेक्शन 3 और ये सिर्फ प्रोटेक्शन 3 मिला, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। और फायर प्रोटेक्शन 2, फायर प्रोटेक्शन 3 सॉरी, और उसके साथ डेथ ऑफ स्ट्राइडर, ये मुझे सही से पता नहीं है वैसे ये किस चीज़ की स्टेटमेंट है सही बताओ तो। तो अभी हमारे पास ये सारी चीज़ें हो चुकी है, अपना मस्त गोल्ड डायमंड का भी आर्मर जो है वो इंचेंट हो गया। तो अभी मैं जो है पहले तो सो जाते हैं, उसके बाद हम एक और डायमंड की शॉर्ट बनाएंगे और मैं देखने वाला हूँ कि उसके ऊपर मुझे अगर मे बी अगर मुझे मिल सकती है ना क्या उसे कहते हैं, क्योंकि यार ये शॉर्ट जो है बड़ी बेकार है। यहाँ से हम दो डायमंड लेते हैं और ये मुझे इंचेंटमेंट अच्छी लगी नहीं है, तो इसलिए हम एक बार दोबारा से ट्राई करने वाले हैं कि मे बी इफ देन इफ कि हमें जो है एक बढ़िया इंचेंटमेंट वाली जो है वो शॉर्ट मिल जाए। वैसे भी मुझे 3 शॉर्ट बनानी ही थी, एक होगी अपने पास बेन ऑफ ऑर्थ्रोपोड वाली, एक होगी अपने पास स्माइट 5 वाली और एक होगी शार्पनेस 5 वाली। तो इसके ऊपर शार्पनेस 3 मिल रही है, नॉट बैड, ले लूं यार। ये सिर्फ शार्पनेस क्यों देते हो यार? चलो फिर भी ठीक है। तो अपने पास अभी जो है वो फुल टू फुल ऐसे ओपी किस्म की इंचेंटमेंट्स आ गई हैं, अभी काफ़ी सारे और बार भी चाहिए हुई है। क्या ख्याल है इसका भी जो है वो रगड़ा करना है चक्कर? आह यही थी ना अपनी बेन ऑफ ऑर्थ्रोपोड वाली, किधर गई? यहाँ पर है। इसका तो आज जाके ना मक्कू बांध आते हैं। पहले मैं ज़रा खाना खा लूँ, मैं अपनी हेल्थ फुल कर लूँ, बाद में जो है काम ख़राब हो जाएगा अगर उसने मुझे कुछ किया तो। लेट्स गो, कुछ तो कर रही है बिच। बस ये कुछ था, मैंने तो कहा कोई ऐसा मतलब बस ये मतलब मुझे कोई डेथ वाला पॉइजन देगी और ये पता नहीं क्या 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 कुछ एक्सपेक्ट किया था मैंने उससे, लेकिन क्या उससे क्या किया? कुछ भी नहीं जो कुछ भी किया हो। वैसे मुझे अपनी लैपिस लाजुली को वापस रख के रहना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई। तो यहाँ पर रखते हैं अपनी लैपिस लाजुली और यार ये कोई ना हमें करना पड़ेगा उसके लिए अलग इंतज़ाम करना पड़ेगा यार एक्सपी फॉर्म के लिए, वो तो फ़ायदा ही नहीं है। इतनी देर बंदा खड़ा रहा है और हुआ क्या? कुछ भी नहीं, वो थोड़ी सी इंचेंटमेंट के लिए काम आता है। और नैदर रैक्स आसपास भी काफ़ी सारे ख़त्म हो गए हैं, तो फिर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है कि अब वहाँ से नैदर से अगर कोई एक्सपी वगैरह का जो है एक्सपेक्ट किया जाए तो वो भी फ़िलहाल जो है वो सीन ऑफ है। सो दैट्स फॉर टुडेस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।